पांच कानून सुखी और आनंदी जीवन के लिए। आज मैं बात करूंगा ऐसे कौन से पांच कानून हैं जो आप अपनाते हैं तो आप सुखी और आनंदी जीवन जी सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, हर एक को सुखी होना है, खुश रहना है, आनंदी रहना है, हर एक को मन की शांति चाहिए, फिर उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। वो आप करते हैं जो पांच कानून बताता हूँ तो डेफिनेटली आपको जीवन में खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा और बहुत ही शांति मिलेगी। तो ये देखते हैं पहला कानून। पहला कानून है कि लोगों की सुनो मगर करो अपने मन का। क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको डिसीजन नहीं लेते आता, कन्फ्यूजन में है, क्या करना है समझ में नहीं आता, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसे समय बहुत बैफल हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं करते। आपने क्या करना है कि सब लिख लो, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सब, ऐसा निर्णय लूँगा तो क्या फ़ायदे है, ऐसा निर्णय लूँगा तो नुकसान क्या है, नहीं लेता है तो क्या फ़ायदे है, नुकसान क्या है, ये सब देख लो। और फिर तभी भी अपना सॉर्ट आउट नहीं होता है तो लोगों को पूछो, वो लोगों को पूछो कि जो वो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट लोगों की राय लो। समझो मुझे कुछ बीमारी हो गई है तो कौन सा डॉक्टर चुनना है या कौन से डॉक्टर के पास जाना है, ये मैं मेरे लोगों को पूछूं तो कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे उसको पूछना पड़ेगा कि जो उसमें एक्सपर्ट है कि भाई ये डॉक्टर अच्छा करेगा ऑपरेशन नहीं करेगा, क्योंकि मैं जिसको पूछ रहा हूँ उसको कुछ अनुभव है कि वो डॉक्टर का नहीं है, फिर क्यों बोल रहा भाई। बहुत बार ऐसा होता है कि कार रिपेयर करना है, नहीं उधर जाओ इधर, ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सलाह देते हैं, तो ऐसा कभी सुनने का नहीं है, एक्सपर्ट की सलाह सुनने की है और लोगों की सुनना है, करना अपने मन की। सब लोगों की सुन लो और अपने अंतर्मन की क्या आवाज़ है उसको सुनो और फाइनल अपने को जो लगता है वही करो। तो ये है कि लोगों की सुनो, करो अपने मन की, पहला कानून। नंबर दो जो है वो है कि एक्शंस जो है वो आप जल्दी लेते जाओ। क्या होता है कि हम एक्शंस जल्दी लेते नहीं हैं, हमको एक बीमारी है वो है प्रोक्रास्टिनेशन की, मतलब आगे आगे ढकेलना, कल करेंगे वाला कार्यक्रम, वन डे, समडे, मंडे, अंडे, कल करेंगे, तो ऐसे ऐसे सफलता मिलती नहीं, आप आनंदी नहीं हो सकते हैं। आप हर चीज़ आगे ढकेल रहे हो, खुशियाँ ले रहे हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा चलता नहीं है, वो टेम्पररी खुशी है। आपको परमानेंट खुशी चाहिए तो एक्शन लेना चालू करो। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपको सक्सेस मिलता है, सक्सेस मिलता है तो आपको आनंद जरूर मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि विचारों में बहुत समय गंवाते हैं, विचार करते रहते हैं और विचार करते करते दिन निकल जाएगा मगर एक्शन लेंगे नहीं, बोलते नहीं मेरे को सोचने दो, सोचेंगे 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 करे कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सोचना तो ठीक ही है, सोचो, कृति करना बहुत जरूरी है, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आपने कुछ ना कुछ एक्शन लिया, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है और उसके तरफ आप कुछ ना कुछ डेली एक्शन लेते हो तो डेफिनेटली अपनी आपकी प्रगति होंगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक्शन लेने को टाइम मत गमाओ। फिर तीसरा है कि टाइम जो है, समय, वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो है इलॉन मस्क, वो बोलता है कि भाई मेरे पास में दुनिया की सबसे ज़्यादा संपत्ति है, सबसे अमीर आदमी हूँ, मगर वो समय नहीं खरीद सकता। समय सभी को सरीका है, गरीब है उसको भी 24 घंटे है, अमीर है उसको भी 24 घंटे है। तो जो आपको मिले हैं दिन, वो दिन का 86,400 सेकंड्स का इस्तेमाल बराबर करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम बहुत टाइम वेस्टर्स वापरते हैं, फेसबुक पे घंटों गमा देंगे, यूट्यूब के, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, काम करें नहीं, काम आगे आगे ढक लेंगे और टाइम पास करेंगे। फिर हमको इसमें देखना पड़ेगा कि कोई भी काम मैं करता हूँ तो मुझे ज़्यादा समय क्यों लगता है, यदि दूसरा आदमी वही काम आधे घंटे में करता है मुझे 1 घंटा क्यों लग रहा है। उसमें भी अपने आप को सुधारना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि भाई मुझे ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपना टाइम वेस्टर जो है देखने पड़ेंगे और आपको फास्ट काम करके रिजल्ट हासिल करने होंगे। नंबर 4 का कानून है, जो है उसके लिए कृतज्ञ रहो। क्या होता है कि हम जो नहीं है उसके ऊपर फोकस करते हैं, जो है उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। देखो कि जो आदमी भूखा है उसको अनाज की कीमत कितनी होती है, मगर अनाज हमारे पास में थाली परस दिया है मगर हमको ये अच्छा लगता नहीं, वो अच्छा लगता नहीं, ये कैसा किया, वो कैसा किया, ऐसी कंप्लेन हम करते हैं। वही थाली यदि बहुत गरीब आदमी को दिया जो 2 दिन से भूखा है
तो वो ताव मारते मारते बहुत कुछ खाएगा। तो हमारे पास में क्या है वो देखो। आपके पास में जॉब है, उसके पास में आप कंप्लेंट करते रहते हैं, अरे उसको पूछो कि जिसके पास में जॉब नहीं है, जो बेरोजगार है, उसको जॉब की कीमत है, आपको कीमत नहीं रहती है। तो जो जॉब है उसके प्रति आपने कृतज्ञ रहना चाहिए। अपने शरीर में ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा चेहरा बराबर नहीं है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, कंप्लेन करते रहते हैं, अरे वो आदमी को पूछो जो अपंग है, जो उसके पास में हाथ नहीं, किसके पास में पैर नहीं, किसके पास में कान नहीं, आँख नहीं, बोल नहीं सकते, उसको पूछो कि कीमत क्या होती है। तो आप फिर उसके बाद में कंप्लेन करना छोड़ देंगे और ये कानून से काम करेंगे कि भाई जो भी है उसके लिए कृतज्ञ होना जरूरी है। पांचवा है कि कितनी भी मुसीबतें आ गए, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तभी भी आपने हार मानने का नहीं है। अपना लक्ष्य जो है वो पक्का करो। मुसीबतें कितनी भी आने दो, मुसीबतें आएंगी, उसको फेस करना पड़ेगा, मगर आपने हार मानना नहीं है। क्या होता है कि मुसीबत आ गई कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं इमोशनली, बोलते नहीं नहीं अभी हमको छोड़ना है, सब वापस चले जाओ। मुसीबतें जो है वो आपको स्ट्रांग बनाती है। या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ, मुझे कभी भी हार मालूम ही नहीं है, मुसीबत मालूम ही नहीं, हर मुसीबत जो है वो मुझे सिखा देती है। ये यदि कानून अपने अपने आप के लिए बनाया कि मुसीबत आ गई तभी भी मैं कुछ डरूंगा नहीं, मुसीबत आती रहती है, हार माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 10 में से 9 कंपनियां 10 साल के अंत में बंद हो जाती है, तो फिर आपका कैसा होगा? 10 में से 9 बंद हो जाती है, तो जब 10 में से 9 बंद होने वाली, इसका मतलब आपको जब भी कुछ चाहिए वो उस समय कर देना है। आपको मुसीबतें आ गई तो लोग दुखी हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं। एक ही मंत्र आपने ध्यान में रखना चाहिए, ये भी दिन निकल जाएगा, दिस टू शैल पास, और वहाँ से हम खड़े रह के ऑपरेट करेंगे। डेफिनेटली जो भी दिक्कत है वो दिक्कत है, जो भी मुसीबत है उसका सामना आप कर सकोगे और आप जिंदा दिल रहेंगे, जीवन जीने में बहुत मज़ा आएगा। यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, और आपको 5 में से कौन सा नियम सबसे बेहतरीन लगा वो आप लिखिएगा आपके कमेंट बॉक्स में। मैं आपको फिर से गिनाता हूँ कौन से नंबर है। नंबर 1 है कि लोगों की सुनो मगर करो अपने मन की। नंबर 2 का कानून है एक्शन लेने में ज़्यादा देर मत लगाओ, एक्शन लेना चालू करो और तुरंत। नंबर 3 जो है कि समय बर्बाद मत करो, टाइम इज़ मनी। नंबर 4 है कि जो भी आपके पास में है उसके प्रति कृतज्ञ रहो। और नंबर 5 है कितनी भी मुसीबतें आ गई उसका सामना करो, आप स्ट्रांग बन के निकल जाएंगे। इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।